दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉलेज ऑन डिमांड में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वैसे कई लोग, आई थिंक आप लोग पहले से जानते हो, एक तो अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से हो, कि HTML क्या होती है। कई लोगों को नहीं भी पता है, तो भी मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम जो भी आपको पता है, ये ऐसी चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हम डेली फेसबुक भी चलाते हैं, ठीक, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। ये बनता कैसे, कभी सोचा है? अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हो, मैं तो कहता हूँ उन्हें भी HTML, CSS, JavaScript सीखनी चाहिए अपने रेगुलर बेसिस के लिए और शायद अर्निंग के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो भी वेबसाइट आप यूज़ करते हो, ये बनती है HTML में। उसके बाद उसी में CSS होता है, उसमें JavaScript होती है। देखना ये कैसे बनी है। ये फेसबुक है, मैंने ऊपर क्लिक किया फेसबुक, यहाँ पे आ गया लॉग इन, फाइंड फ्रेंड, करियर, इवेंट। मैंने लॉग इन पे गया, ठीक है, और ये पेज आ गया। फिर मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला, फिर लॉग इन करा, फेसबुक खुल गया। अब ये बना कैसे, कभी देखना है तो राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स पे जाओ, चाहे आप कोई ब्राउजर यूज़ करते हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है या पता लगाना है, तो ये देखो, इसमें पता है, इसमें लिख करेगा कैसे बना। ये HTML, ये सबसे लिख क्या रहा है, डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, बिल्कुल, क्योंकि HTML मेन हेडिंग, मेन बॉडी होती है। और ये लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, बिल्कुल, देखो सब कुछ इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में। तो ये दिखा रहा है कि ये EN लैंग्वेज इंग्लिश में। ID क्या है, फेसबुक है, देखो भाई ऊपर फेसबुक लिख क्या रहा है। क्लास क्या है, ये हम आगे अभी सीखेंगे, अभी कुछ मोटा मोटा मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आप किसी में भी ऐसे देखोगे, किस में ये इंस्टाग्राम किस में लिखा है, कैसे लिखा है, ये भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देखना चाहो तो देख सकते हो, व्यू पेज सोर्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब लिखते कैसे हैं, ये रहा इंस्टाग्राम पे, ये सब लिखते कैसे हैं, ये सब किसी न किसी कंपाइलर में लिखते होंगे। आप प्रोफेशनल्स, बहुत तरह तरह के कंपाइलर हैं, या वो किसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं। अब आप HTML कैसे लिखोगे, अपनी वेबसाइट कैसे बनाओगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता हो, प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको भी बता दूंगा ये कैसे काम करता है। अब दोबारा एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे, कि मैं अब अपनी पहली वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। आप अपनी पहली वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, कैसे बनाओगे? मैं सब कुछ दोबारा हटा के यहाँ लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन का मार्क, ठीक है, ये मैंने मारा एंटर, और ये देखो आ गया। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML, ठीक है। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे ये देखो, ये HTML, भाई सेम लैंग्वेज क्या लिखूंगा मैं, कोडिंग रहेगी इंग्लिश में। ये क्या है, इसकी हेडिंग, ये इसकी बॉडी, ये HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। आप कुछ भी लिखते हो HTML में, उसकी बॉडी क्लोज होती है, वो बंद होता है। जैसे मान लो मैंने भाई दोबारा से HTML लिख के ऐसे कर दूंगा, तो ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोज कैसे होता है, यहाँ पे ये स्लैश लगा के आप ऐसे इसको क्लोज कर सकते हो, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, मैंने यहाँ जैसे पैराग्राफ, मुझे कुछ लिखना है तो इसे भी मैं ऐसे क्लोज करूँगा, ठीक है, ये एक HTML में होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो क्लोज नहीं होती, कुछ टैग ऐसे जो क्लोज नहीं, तो मैं आगे बताऊंगा। मेन मैंने आपको, मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको समझा दिया, और स्क्रीनशॉट की हो गया, ठीक है, ओवरव्यू समझाने के लिए मैंने बता दिया। अभी अभी मेटा 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 क्यों लिखा है, भूल जाओ। आपको सिर्फ ध्यान देना है HTML क्या है, डॉक टाइप, डॉक टाइप क्या है, सॉरी HTML लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, हेडिंग ये है, और ये बॉडी हो गई मेन, ठीक है। मतलब HTML जो कोड होता है ना, HTML जो होता है, ये एक तरह का HTML टैग होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, यही स्ट्रक्चर है वेब पेज का। इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, ये सब कुछ कंटेंट है। ये क्या है, टाइटल, सबसे बढ़िया चीज, ये टाइटल है ना, ये टाइटल इसके अंदर लिखा है डॉक्यूमेंट्स। अब मान लो मैं लिख देता हूँ, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरे कंपनी का नाम है टाइटन, मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं लाइव सर्वर पेज में गया, गो लाइव करके, ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर ध्यान से दो, ये क्या लिख के आ रहा है, टाइटन। ऐसे जब आप कभी इंस्टाग्राम खोलते हो, ये देखो दिखा रहा है इंस्टाग्राम, ये दिख रहा है इंस्टाग्राम, ये दिख रहा है यूट्यूब, ये दिख रहा है फेसबुक। ये चीज़ें कहाँ पे लिखी है, ये चीज़ें लिखी है इस टाइटल के अंदर। मतलब ऐसे अगर पहला वेबसाइट आपको बना के कोई भी वेबसाइट पे जाएगा, पता कैसे चलेगा क्या खोज रहा है, कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहा है, ऊपर दिखेगा सबसे पहले। तो ऊपर जो दिखता है वो किस में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इस टाइटल के अंदर, जो है इस हेडिंग के अंदर, जो है इस HTML के अंदर,
बॉडी को आप छोड़ दो, बॉडी को मत काउंट करो। तो मैं आपको बताता हूँ, बॉडी बॉडी अभी कुछ मत देखो, ठीक है? ये कैसे लिखते हैं इस टाइटल को? टाइटल को पहले आप वही डॉक्यूमेंट टाइप लिखोगे, HTML लिखोगे हेडिंग के अंदर। मैं आपका काम करता हूँ, शॉर्टकट नहीं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो मैं आप पहले कोई वेबसाइट बना रहे हो या आप अपनी कोडिंग कर रहे हो भाई HTML में, तो आप पहले लिखोगे डॉक्यूमेंट, फिर लिखोगे HTML क्लोज, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखो HTML, ये मैंने टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग, सॉरी हेडिंग कह दो। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइटल, TITLE, इसको भी क्लोज कर दो। अब इस टाइटल के अंदर यही सेम जो मैंने लिखा है अपना टाइटल, मैं दोबारा इसको हट काट देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ टाइटल की जगह। अब मान लो मेरी भी एक यूट्यूब कंपनी, चलो मैंने इसको सेव कर लिया, मैं लाइव सर्वर में गया और ये देखो आ गया यूट्यूब। मुबारक हो, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली। अब दिस इज माई ओन, छोटा करते हैं, मान लो मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, क्लोजिंग टैग याद रहे, दिस इज माई ओन यूट्यूब चैनल, ये देखो जी आगे नीचे, ठीक है? समझ गए? तो मुबारक हो, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली, ठीक है? अब ये पैराग्राफ टैग क्या है, आगे क्या है, ये मैं आपको लेक्चर 2 में बताऊंगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।